हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर में। मैप की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से मैप की क्लासेस में आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में। वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है और वेजिटेशन है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। क्लाइमेट का अर्थ क्या हुआ? जलवायु, और वेजिटेशन मतलब वनस्पति। तो दुनिया में किस तरह की जलवायु है, किस प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं, इसके विषय में हम लोग आज पढ़ते हैं। बहुत जल्दी से, सिर्फ काम की चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो इस प्रकार से तीन जोन्स में, मोटे मोटे तीन जोन्स में बटी हुई है। काफ़ी पुरानी क्लासिफिकेशन है ये। उसके आगे और भी बहुत सारी सब क्लासिफिकेशंस है, लेकिन हमारा ध्यान अभी वहाँ पे नहीं है। हमारा ध्यान तो ये जानने में है कि किस एरिया में कैसा क्लाइमेट रहता है। तो इसीलिए हम इसको समझने योग्य इस क्लास के लिए जो यूटिलिटी का है वो चीज़ हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपका सन है। अगर हम ये बात मान लें कि यहाँ पे सन है, सन चूंकि बहुत दूर है इसलिए वो छोटे ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देता है ना? जैसे सूरज हमें अपने यहाँ से एक छोटे से गोले के रूप में ही तो दिखाई देता है। तो सूरज एक छोटा से गोला है जो कि काफ़ी दूर अवस्थित है, इसलिए उसकी जो रेज हैं वो इस प्रकार पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये इस सूरज की जो रेज हैं परपेंडिकुलर कहाँ पड़ रही हैं? ये परपेंडिकुलर पड़ रही हैं कहाँ पे? अभी लैटिट्यूड पे, है ना? अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे ये क्या पड़ रही हैं? परपेंडिकुलर पड़ रही हैं। फिर क्या होगा? फिर पृथ्वी जो है घूम जाएगी, जब 6 महीने बीत जाएंगे तो घूम जाएगी। तो ये फिर दूसरे तरह से ये इस पहले इधर झुकी हुई है, फिर इधर झुक जाएगी, है ना? फिर इस तरह से झुक जाएगी, इस तरह से। उस समय क्या होगा? उस समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगेंगी यहाँ पर, है ना? 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो परपेंडिकुलर यानी लंबवत सूर्य की किरणें कभी पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और कभी कहाँ पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ये वाला जो इलाका होता है यहाँ पे सूर्य की किरणें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ती है, हमेशा पड़ती रहती है। तो पृथ्वी का जो ये वाला जो एरिया है, कहाँ से कहाँ तक? 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री मकर रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा तक। तो मकर रेखा से कर्क रेखा तक का जो ये हमारा इलाका है यहाँ पे सूर्य की किरणें काफ़ी ज़्यादा पड़ती हैं, इसीलिए इस रीजन में ज़्यादा गर्मी रहती है। इसीलिए इस रीजन को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है टॉरिड जोन। क्या नाम दिया गया है? टॉरिड जोन। उसके नीचे क्या है? यहाँ पे भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब यहाँ पे जैसे ये वाली कंडीशन देखी जाए तो यहाँ पे जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं तो थोड़ी तो इधर भी जा रही होंगी, थोड़ी इधर भी आ रही होगी। तो थोड़ी थोड़ी तो आ रही हैं, लेकिन उतनी नहीं आ रही हैं जितनी कि यहाँ पे 12 महीने जितनी आती रहती है उतनी नहीं आ रही है। यहाँ पे आ रही हैं अभी, जबकि सूर्य यहाँ पे लंबवत है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मकर रेखा पे, तब इस वाले रीजन में क्या है, थोड़ी सूर्य की किरणें आ रही हैं। ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे काफ़ी कम किरणें आएंगी, है ना? तो ये वाला जो इलाका है हमारा ये भी गर्म रहता है, पर उतना नहीं गर्म रहता है जितना कि ये टॉरिड जोन गर्म रहता है। तो इसको बोलते हैं क्या? टेम्परेट जोन। ऊपर भी और नीचे भी सेम कहानी है, ऊपर भी सेम कहानी है नीचे भी। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टेम्परेट जोन। उसके बाद आप बिल्कुल जब जाएंगे कहाँ पर? पोल्स पर। तो इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जमा जमा हुआ बर्फ रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? फ्रिजिड जोन। तो जो हमारा हीट जोन है, पृथ्वी का जो हीट जोन है, कि किस तरह से हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से दुनिया में किस प्लेस पे किस प्रकार की जलवायु होगी ये तय होता है। सिर्फ इसी हीट जोन पे ही नहीं तय होता है, से ही नहीं तय होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों से तय होता है। ठीक है, जैसे कि लैटिट्यूड कितना है, ये तो हमारा पृथ्वी के हिसाब से तय हुआ। उसके बाद क्या है? एल्टीट्यूड। अगर ऊंचाई है, अगर क्या है, ऊंचाई है, तो उस केस में क्या होगा? एल्टीट्यूड के केस में, वहां पर ज़्यादा ऊंचाई के केस में ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे आप पहाड़ पे जाते हैं, जितना ऊंचा जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, है ना? जितना ऊंचा आप जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर कि डिपेंडेंट है कि किसी जगह का जलवायु क्या रहेगा। तो
इनको अगर हम देखें तो ये कौन से फैक्टर्स होंगे, जैसे एक तो हमारा हो गया लैटिट्यूड, दूसरा क्या होगा एल्टीट्यूड, है ना, एल्टीट्यूड। उसके बाद और क्या होगा, उसके बाद आपका कॉन्टिनेंटैलिटी, इसका अर्थ क्या है, कॉन्टिनेंटैलिटी का अर्थ क्या है कि कितना आप समुद्र से दूर हैं, कॉन्टिनेंट में भीतर कितना है। तो जितना ही आप समुद्र से दूर रहेंगे तो क्या होगा, कॉन्टिनेंट का मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर बहुत सर्दी पड़ती है या बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पे क्या होता है, अगर पास में कॉन्टिनेंट रहे तो उस प्रभाव को थोड़ा कम कर देता है, लेकिन जब कॉन्टिनेंट काफ़ी दूर रहे तो वहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगेगी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगेगी। जैसे कि आप भारत का एग्जाम्पल लें तो जैसे बॉम्बे में रहने वाले लोग आपको बताते होंगे कि हमें बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा सर्दी का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि पास में समुद्र है। तो बॉम्बे में थोड़ा सा समुद्र होने की वजह से क्या होता है, थोड़ी नमी भी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है हवा में। लेकिन आप पुणे चले जाइए तो वहाँ पे आते आते क्या है, ह्यूमिडिटी भी समाप्त हो जाती है और वहाँ पे जो ओशन है उसका मॉडरेटिंग इफेक्ट भी कायम रहता है, तो वहाँ पे जलवायु और भी बढ़िया रहती है, मज़ेदार। बैंगलोर है, वहाँ पे भी यही हाल है कि वहाँ पे क्या है कि समुद्र से थोड़ा दूर है और लेकिन कॉन्टिनेंटैलिटी, लेकिन ओशन के मॉडरेटिंग इफेक्ट का फायदा वहाँ पे दिखता है। वहाँ पे भी मौसम क्या है, प्लीजेंट रहता है। तो समुंदर के किनारे वाले जो इलाके हैं वो खुशनुमा मौसम वहाँ पे रहता है, ठीक है। उसके बाद ओशन करेंट्स, ओशन करेंट्स का एक अलग क्लास में लूँगी फिलहाल। ओशन करंट जो वर्ल्ड मैप पे है उनको दिखाने के लिए, फिलहाल जो है ओशन करंट के विषय में इतना जानिए कि ओशन करंट जो है किधर से किधर बह रही हैं उसके हिसाब से तय होता है कि कैसा मौसम रहेगा। जैसे आपने अलनीनो का नाम सुना होगा, अलनीनो का, तो अलनीनो क्या होता है, वो एक प्रकार का ओशन करंट ही है जो कि क्या करता है, जो कि टेम्परेचर डिटरमाइन करता है कि हमारे यहाँ पे मानसून कैसे आएगा, है ना, मानसून कितना पड़ेगा, ये अलिनो डिटरमाइन करता है। उस अलिनो क्या होता है इसके लिए एक अलग क्लास लगेगी, फिलहाल जो जानना है आपको वो यही जानिए कि अलिनो पैसिफिक ओशियन में पेरू के तट के पास समुद्र का गर्म या ठंडा हो जाना उससे संबंधित है। उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, वहाँ उसका प्रभाव यहाँ इंडियन ओशन में हमारे यहाँ मानसून पे पड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ओशन करंट हो गया। उसके बाद और लोकल विंड्स, अगर मान लीजिए कि रेगिस्तान है तो वहाँ पे हवा जो है ज़्यादा गर्म होगी, हवा ज़्यादा गर्म होगी तो क्या होगा, और ज़्यादा वहाँ पे निम्न दाब बन जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा, है ना, लो प्रेशर का। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, मानसून के पैटर्न, मतलब बारिश के पैटर्न को प्रभावित करने लगेगा। तो इस प्रकार लोकल विंड्स हो गए, रिलीफ एंड टॉपोग्राफी कि कितना एल्टीट्यूड हो रहा है ना, और वेजिटेशन, कोई जगह है जो कि हरी भरी है वहाँ पे आपको कम गर्मी लगती होगी, होता है ना। उसके बाद जो है स्लोप कैसा है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है किसी जगह की क्लाइमेट। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट जो क्लाइमेट है, किस जगह पे कैसी है ग्लोब पे, हमारी ये क्लास मेनली इस विषय में है, ठीक है, कि किसी जगह पे क्लाइमेट कैसी है हम ये जान रहे हैं। तो आइए फिर हम लोग ये देखते हैं। तो जो ग्लोबल हमारा क्लाइमेट है इसको हम 12 प्रकार में बांट सकते हैं, 12 टाइप्स। उन 12 टाइप्स को भी मोटे मोटे 3 टाइप्स में, ठीक है, 12 सब टाइप्स, 12 सब टाइप्स एंड 3 टाइप्स, ये मान लो आप। तो एक तो जो हो गया हमारा क्या, इक्वेटोरियल जोन। सबसे पहले क्या हो गया, इक्वेटोरियल जोन। तो इक्वेटोरियल जोन जो है वो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, विषुवत रेखा के ऊपर नीचे 10 डिग्री, अगर हम इस लैटिट्यूड के लिए, तो वहां पे इक्वेटोरियल जोन वाला क्लाइमेट रहता है। अच्छा, ये कैसा क्लाइमेट है, तो ये क्लाइमेट टाइप जो है ये हॉट और वेट होता है। इसका क्या अर्थ है कि हाँ गर्मी पड़ती है। इक्वेटर तो भाई ऐसी जगह है ना जहाँ पे साल के 12 महीने सूर्य की किरण जो है वो क्या पड़ रही है, पड़ रही है, सीधी पड़ रही है वहां पे, है ना, मतलब बिल्कुल सीधी नहीं भी पड़ रही है तो थोड़ी सी तिरछी, लेकिन पड़ रही है हमेशा 12 महीने आपको हॉट और
वहाँ पे गर्मी रहेगी, और चूंकि वहाँ इतनी गर्मी रहती है तो शाम होते होते क्या होता है, बारिश हो जाती है। शाम को 4 बजे वहाँ पे खूब बारिश होगी, 2 बजे के बाद जो है बादल घिरने चालू हो जाएंगे, 4 बजे तक अच्छे से बरस जाएंगे, फिर उसके बाद रात हो जाएगी, फिर अगले दिन होगा खूब गर्मी पड़ेगी, फिर शाम होगी बारिश हो जाएगी। तो ये चलता रहता है, सालों भर बारिश होती है, ये 80 इंच बारिश होती है पूरे साल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वनस्पति, वनस्पति जो है उसी हिसाब की होती है, हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे, फिलहाल मोटी मोटी जो चीज़ें हम वो देख रहे हैं। तो अब आ जाइए हॉट जोन में, हॉट जोन को हम मान रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 10 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक, ठीक है। हॉट जोन को हम मान रहे हैं कहाँ तक, 10 से 30 डिग्री, इक्वेटर 0 से 10 हिसाब बराबर। अब 10 से 30 डिग्री वाले पे आप आ जाइए, तो यहाँ पे आपको जो है 3 प्रकार के मौसम दिखेंगे, ठीक है। एक है आपका ट्रॉपिकल मानसून, क्या नाम है इसका, ट्रॉपिकल मानसून, और एक है ट्रॉपिकल मरीन। ट्रॉपिकल मानसून और ट्रॉपिकल मरीन बिल्कुल लगभग एक जैसा क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिकल मरीन में क्या होता है कि बस ओशन के पास रहता है, इसलिए उसको थोड़ा सा ओशन वाला मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है, इसलिए उसको मरीन बोलते हैं। सबके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में एक एक करके, फिलहाल आपको समझ में आए स्कीमेटिक स्कीमा समझ में आए, आपको समझ में आए कि क्या चीज़ें हैं वो जानते हैं हम लोग। तो हॉट जोन में क्या है, ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल मरीन। उसके बाद अगला क्या है, सूडान टाइप का क्लाइमेट, ठीक है। सूडान जो देश था अफ्रीका में, वहाँ पे इस क्लाइमेट का सबसे मतलब सबसे प्रोमिनेंट फॉर्म में सूडान में पाया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, सूडान टाइप का क्लाइमेट। और उसके बाद चौथा है डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। तो ट्रॉपिकल मानसून, सूडान और डेजर्ट, ये कहाँ के क्लाइमेट हो गए, ये हो गए हॉट जोन के क्लाइमेट, ठीक है। इन सब का क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये सब हम देखेंगे, फिलहाल हम अब अपने अगले जोन की तरफ चलते हैं। तो अगला जोन है क्या, वार्म टेम्परेट जोन। क्या है, वार्म टेम्परेट जोन। तो ये वार्म टेम्परेट जोन जो है इसको आप मान लीजिए 30 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। कैसे बांट रहे थे हम लोग, ये पृथ्वी है तो पहले 0 से 10 है ना, फिर क्या है 10 से 30, फिर क्या है 30 से 40। तो 30 से 40 में कौन कौन से टाइप के क्लाइमेट आएंगे, एक को कहते हैं मेडिटेरेनियन टाइप, एक को कहते हैं स्टेपी टाइप, और एक को कहते हैं ईस्टर्न मार्जिन टाइप, जिसमें कि 3 प्रकार के ये क्लाइमेट होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे वार्म जोन के क्लाइमेट। उसके बाद आप आ जाइए कहाँ पे, कूल टेम्परेट जोन। एक जो है अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, कूल टेम्परेट जोन पे। तो कूल टेम्परेट जोन जो होता है, कूल टेम्परेट जोन, उसमें 45 से 65 डिग्री का आप क्लाइमेटिक कंडीशन मान लीजिए, ठीक है, 45 से 65। इसमें वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल साइबेरियन टाइप का क्लाइमेट, और ईस्टर्न मार्जिन लॉरेंशियन टाइप का क्लाइमेट होता है। और उसके बाद कूल टेम्परेट से आप कहाँ पे जाएंगे, कोल्ड जोन में। अब पूरी ठंडी आने लगी, अभी तक तो वार्म टेम्परेट था कि हाँ थोड़ा सा जो है टेम्परेट टाइप का है, ठंडी आ रही है पर कम है, फिर कूल टेम्परेट आया और भी ज़्यादा थोड़ी ठंडी आई, फिर कोल्ड जोन आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, अल्पाइन जोन, जबकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का, ये 65 से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों मिलते हैं, कोल्ड जोन और अल्पाइन जोन। तो अब आपको, मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, बीच में इक्वेटर टाइप है ना, फिर क्या आएगा आपको, ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट, जिसमें कि 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, मानसून, सूडान और डेजर्ट। फिर आपके पास आएगा क्या, वार्म टेम्परेट। उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर आएगा कूल टेम्परेट, और सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा कोल्ड जोन या अल्पाइन जोन। और इसी के सब टाइप्स जो है अगर सारे मिला दिया जाए तो मेजर 12 टाइप के क्लाइमेट्स हैं।
तो अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं, हॉट वेट इक्वेटोरियल रीजन्स को। तो ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था ना, किन किन कंट्रीज से पास करता है, तो इधर पड़ता है कहाँ पे, अफ्रीका में। ये वाला जो रीजन है ये क्या है, GCD UKS करके कंट्रीज मैंने बताया था कि अफ्रीका की वो कंट्रीज जहाँ पर जो कि इक्वेटर पर पड़ती हैं उनका नाम क्या है, GCD UKS। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा, अफ्रीका की इक्वेटर पे पड़ने वाली कंट्रीज़। ठीक है, तो अब क्लाइमेट की बात करते हैं। तो ये वाला जो रीजन है अफ्रीका का, यहाँ पे हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, हॉट वेट इक्वेटोरियल, इसका अर्थ क्या है कि गर्मी खूब और बारिश रोज। तो हॉट वेट इक्वेटोरियल, उसके अलावा और कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, और उसके बाद थोड़ा सा ये पाया जाता है इधर आपके साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में पाया जाता है, और हल्का सा इधर भी पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे रीजन्स जहाँ पर कि ये क्लाइमेट पाया जाता है। फिर अब इस क्लाइमेट का टाइप का जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि टेम्परेचर जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, अच्छा खासा टेम्परेचर रहेगा। एवरेज टेम्परेचर रहता है कितना, 27 डिग्री के आसपास प्रतिदिन टेम्परेचर रहेगा। शाम को क्या है, बारिश हो जाएगी, बारिश भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर के आसपास जो है बारिश हो जाएगी। फिर 27 डिग्री 80 सेंटीमीटर, मतलब काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट है। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी, जो यहाँ पे वेजिटेशन होगी वो कैसी होती है, वेजिटेशन इस प्रकार की होती है कि यहाँ पे आपको दिखाई देंगे तीन लेयर दिखाई देगा पौधों का। एक कहलाता है अपर लेयर, एक कहलाता है इंटरमीडिएट लेयर यानी बीच वाली लेयर, और एक कहलाता है क्या, लोअर लेयर। तो अपर लेयर वाले जो होते हैं वो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं। इंटरमीडिएट लेयर में थोड़े छोटे ट्रीज़ होते हैं यहाँ पे, और नीचे वाला लेयर जो है वो क्लाइंबर्स प्लांट्स का होता है, घास का, क्लाइंबर प्लांट का, है ना, लताओं का। तो ऊपर वाले जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ काफ़ी घनी होती हैं, और उनका रूट जो होता है इस प्रकार का, बट्रेस रूट इसको कहा जाता है। ठीक है, बट्रेस रूट इसको कहा जाता है। तो ये जो बट्रेस रूट होता है ना, इस प्रकार का होता है। बट्रेस का अर्थ होता है कि जो सहारा दे, जैसे कि कोई आपने एक तख्ता रखा, उसको इधर और इधर जो है एक उस पर सहारा लगा दिया, उसको कहा जाता है क्या, बट्रेस कहा जाता है। तो यहाँ पे बट्रेस रूट होता है जो कि इस इन पेड़ों को सहारा देता है। जैसे आपका बरगद हो गया, तो बरगद में बट्रेस रूट होता है, आप देखते ना कि कितना ज़्यादा उसके रूट्स जो हैं निकले हुए रहते हैं, तो वो सहारा देने के लिए वो रूट्स जो हैं इस तरह से निकले रहते हैं कि नीचे जो है काफ़ी घने उसके निकले हुए रूट्स रहेंगे जो उसको सहारा देंगे। उसके बाद क्या होगा, अगला लेयर छोटे छोटे प्लांट्स का होगा जो कि बची हुई या रोशनी के लिए बहुत कंपटीशन होता है। होता क्या है कि नीचे जो है पानी तो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन रोशनी नहीं मिल पाती क्योंकि ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा पेड़ों की पत्तियाँ रहती हैं, तो नीचे उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए रोशनी के लिए ये पेड़ों में कंपटीशन रहता है। तो नीचे वाले जो पेड़ रहेंगे वो थोड़ा सा कम हाइट के रहेंगे, और लास्ट वाला जो लेयर रहेगा वो वाले पेड़ जो है वहाँ पे क्लाइंबिंग प्लांट्स पैदा होंगे। वहाँ पे क्लाइंबिंग प्लांट्स जो लताएं हैं वो इस प्रकार से पेड़ों पे चढ़ती हैं। तो जो बड़े वाले, सबसे बड़े वाले पेड़ होते हैं उनकी हाइट 150 फीट के लगभग होती है, और सबसे छोटे वाले जो हैं वो 30 फीट। ठीक है, ग्रासेस, क्लाइंबिंग प्लांट्स, ये सब रहते हैं। अब यहाँ पे इतना सारा जो है पेड़ पौधा है, तो साथ में क्या होगा, बहुत सारे आपको कीड़े मकोड़े, बहुत सारे आपको सांप वगैरह इस टाइप के भी प्रजाति के बहुत सारे आपको जीव जंतु नीचे वाले लेयर पे मिलते हैं। और उसके बाद
यहाँ के लोग कैसे होते हैं, तो यहाँ के लोग जो है वो बिल्कुल मतलब उसी टाइप के होंगे कि उनको इस हार्श क्लाइमेट के साथ, रोज़ रोज़ बारिश के साथ जो है बनाना होता है सामंजस्य। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का विकास नहीं हो पाया है। हंटर गैदरर्स बेसिक टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो कि जिनका शिकार करने की आदत है और पेड़ों में मतलब जंगलों में घूम के अपने लिए खाना खाने का या लकड़ी इकट्ठा करना, ये सब इसी टाइप का लोगों का यहाँ पे पेशा है ज़्यादातर। ठीक है, जो प्रिमिटिव जनजाति हैं, जैसे आपने एक पिग्मी नाम की जनजाति का नाम सुना होगा, ये लोग कॉन्गो बेसिन में रहते हैं। कॉन्गो कहाँ पे है? अफ्रीका में है ना। पहले एक ज़ायर नाम का देश होता था और उसी से होके बहती थी ज़ायर नदी। अब वो जो है कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में टूट गया है, तो अब इसको कॉन्गो कहा जाता है। तो ये जो कॉन्गो बेसिन है, कॉन्गो नदी का जो बेसिन है, वो पड़ता है कहाँ पे? इक्वेटोरियल जोन में। तो यहीं पे रहते हैं पिग्मीज नाम की जनजाति। किस नाम की जनजाति? पिग्मी। तो ये जो पिग्मी लोग हैं, पिग्मी लोग किस प्रकार के लोग हैं? जो इकट्ठा करते हैं, हंटर गैदरर्स टाइप के लोग हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, जो कि खेती करने के लिए क्या करते हैं, कुछ दिन यहाँ रहे, फिर कुछ दिन वहाँ पे चले गए, कुछ दिन यहाँ रहे खेत पे उगाया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने, कुछ दिन उगाया, फिर उसके बाद कहाँ चले गए? किसी दूसरी जगह चले गए। तो आप समझ रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार का यहाँ के लोगों का जीवन शैली रहता है, वेजिटेशन किस प्रकार की रहती है। बड़े बड़े पेड़ और उसके बाद छोटे पेड़, उसके बाद नीचे लताएं। बड़े बड़े पेड़ में कुछ नाम हैं जैसे कि महोगनी, इबोनी, ग्रीन हार्ट, कैबिनेट वुड वगैरह। तो इस प्रकार के महोगनी, इबोनी टाइप के पेड़ इस रीजन में उगते हैं। अब आप आगे आ जाइए, अगला जो रीजन है उसका नाम है ट्रॉपिकल मॉनसून। ट्रॉपिकल मॉनसून वाला ये रीजन है। तो ट्रॉपिकल मॉनसून आपको पता ही है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनल क्लाइमेट है। तो जो असली मॉनसूनल क्लाइमेट है ना, वो दरअसल इन्हीं कंट्रीज़, इस इंडिया में उसके पास में ही पाया जाता है। इंडिया, उसके अलावा ये पूरा ये जो इंडो चाइना वाला रीजन है, इसको कहते हैं इंडो चाइना वाला रीजन। ठीक है, जो आपका साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है उसको कहा जाता है इंडो चाइना, इसको कहा जाता है इंडो चाइना पेनिनसुला। ये वाला जो पेनिनसुला है, दिस इज कॉल्ड इंडो चाइना पेनिनसुला। ठीक है, तीनों ओर से ये पानी से घिरा है ना, इसलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है और साथ में इसको इंडो चाइना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इंडो चाइना? क्योंकि इस पर इंडिया के कल्चर का और चीन के कल्चर का प्रभाव है, इसीलिए इसको पहले नाम दे दिया गया था इंडो चाइना। तो ये इंडो चाइना में, इंडिया में क्या पाया जाता है, श्रीलंका में क्या पाया जाता है? मॉनसून टाइप का क्लाइमेट, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का क्लाइमेट। इसके अतिरिक्त थोड़ा ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इंडिया, उसके अलावा थोड़ा सा ऊपर वाला जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला रीजन है, वहाँ पाया जाता है ट्रॉपिकल मॉनसून। और ये वाले जो एरियाज हैं, आपका सेंट्रल अमेरिका हो गया, ऊपर का साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका हो गया, मडागास्कर हो गया, इन एरियाज में क्या पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है ट्रॉपिकल मरीन टाइप का क्लाइमेट। मरीन से क्या अर्थ है कि इन्हें, ये ओशन के पास है, तो थोड़ा सा इनको जो है मॉडरेटिंग इफेक्ट मिल जाता है। ये वाला रीजन हो गया साउथ अमेरिका का, इनको थोड़ा यहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट मिल जाता है कि हाँ पास में ओशन है, तो उतनी ज़्यादा थोड़ा मानसून का प्रभाव जो है उसको, मानसून को थोड़ा कौन प्रभावित करेगा? ओशन भी प्रभावित करेगा। और ये जो हमारा मानसून टाइप का क्लाइमेट है, इसका बेसिक कॉज क्या है? इसका बेसिक कॉज जो है पहले माना जाता था वो क्या है, वो जो आसपास में जो ओशन है उसका गर्म और ठंडा होना। ठीक है, गर्म और ठंडा होना पहले यही माना जाता था कि गर्म और ठंडा होता रहता है जो ओशन, उसी के कारण मॉनसून आता है। कि
ओशियन जो है गर्म हुआ, वहां पे इवेपोरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण हुआ और आकर के वो बरस गया लैंड के ऊपर। तो ये बहुत बेसिक डेफिनेशन थी। बाद में इसको और अच्छे से पढ़ा गया तो मॉनसून का जो है फिनोमिना समझा गया। काफ़ी सारी और भी चीज़ें जो हैं वो मॉनसून को अफेक्ट करती हैं, जैसे भारत में हिमालय का पहाड़ होना, तिब्बत का पठार होना, तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है तो वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ से खींच लेता है हवा को, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में मॉनसून कैसे आता है उसके नहीं जाएंगे, हम लोग बस रीजन देखने वाले हैं कि किस रीजन में ये पड़ता है और उस रीजन में पड़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इंडिया के रीजन में पड़ता है मॉनसून, इंडिया के रीजन में आता है और इसका कारण क्या है कि इंडियन ओशियन का इंडिया के पास इंडियन ओशियन का होना, उसके बाद और फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स जैसे हिमालय का होना, तिब्बत के पठार का होना आदि। तो इंडिया में आती हैं, आता है मॉनसून नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के फॉर्म में मॉनसून आता है। फिलहाल ये हो गया बेसिक चीज़ मॉनसून के बारे में। उसके बाद और कहाँ पे है ये क्लाइमेट, तो इन सब रीजन्स में है, ये हमने देख ही लिया। और अब हम ये देखते हैं कि इस रीजन का नेचुरल वेजिटेशन किस प्रकार का है। तो नेचुरल वेजिटेशन जो है यहाँ का, यहाँ पे चूंकि रेनफॉल हैवी होता है, आप जानते ही हैं इंडिया जैसे रीजन में रहते हैं तो आपको पता है कि रेनफॉल हैवी होता है, अच्छा खासा रेनफॉल होता है, तो इसीलिए फॉरेस्ट जो हैं वो यहाँ पे भी घने होते हैं, लेकिन ट्रॉपिक्स इक्वेटर जितने घने नहीं होते हैं। इक्वेटर पे काफ़ी घना जो है वनस्पति उगता है, तीन लेयर्स में उगता है, यहाँ भी उगता है ट्रॉपिकल रीजन्स में भी, पर उतना ज़्यादा नहीं उगता है, यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा लेस डेंस फॉरेस्ट रहता है और काफ़ी रिच फॉरेस्ट है यहाँ पे, आपको पता ही है ईस्टर्न हिमालयाज, हमारा ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद इक्वेटर जैसा नहीं रहता है। और यहाँ पे टीक काफ़ी मात्रा में उगता है, ठीक है, ये क्लाइमेट इस क्लाइमेटिक रीजन के। टीक जो है एक तरह से सिग्नेचर ट्री है, कहाँ का, ट्रॉपिकल मॉनसून वाले रीजन का, ठीक है। उसके अलावा चूंकि जो मॉनसून है वो खेती में काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकता है, तो मॉनसून पे डिपेंडेंट काफ़ी क्रॉप्स होती हैं, तो इसलिए यहाँ के लोगों का जीवन यापन करने का साधन क्या है, वो एग्रीकल्चर है। वहाँ तो इक्वेटर में तो ये भी नहीं था, हंटर गैदरर टाइप के लोग थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है काफ़ी मात्रा में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉनसून क्लाइमेट के विषय में, आपने रीजन्स देख लिए इसके। अब हम लोग नेक्स्ट क्लाइमेट टाइप देखते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सवाना। सवाना, तो ये सवाना जो है ये ट्रांजिशनल टाइप का क्लाइमेट है बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड हॉट डेजर्ट्स। अब हम लोग अगला क्लाइमेटिक टाइप देखेंगे उसमें होगा हॉट डेजर्ट, ठीक है, गर्म जो आपके रेगिस्तान होते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग जो सवाना देख रहे हैं ये उसी के जस्ट नीचे वाली हार्श कंडीशंस के कारण होता है, यानी जो डेजर्ट है वहाँ पे और भी ज़्यादा गर्मी रहेगी, सवाना जो है वहाँ पे थोड़ी सी कम गर्मी रहती है डेजर्ट के कंपैरिजन में। और यहाँ पे क्या जमते हैं, यहाँ पे ग्रासेस जमते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ग्रास लैंड, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ग्रास लैंड। और ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है, ये मेनली अफ्रीका में सूडान में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका में सूडान में पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा सवाना टाइप का क्लाइमेट है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन होते हैं, मैंने कहा ना कि ये इक्वेटोरियल और डेजर्ट वाला जो हमारा क्लाइमेट है उसके बीच में पड़ता है, तो डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ बारिश होगी रोज़ रोज़ गर्मी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है, वेट सीजन और ड्राई सीजन अलग अलग रहेगा, बारिश एक ही सीजन में होगी,
लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे रेगिस्तान में क्या होता है कि डाइयूर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी रात और दिन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है ना, रात और दिन का टेम्परेचर जैसे रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा रहेगा है ना, रात में हो रहा है 50 डिग्री, सुबह में हो रहा है 50 डिग्री, दिन में 50 डिग्री, रात में एकदम जो है 0 डिग्री पहुंच जा रहा है, तो उस प्रकार का जो है कहाँ पे होता है, डेजर्ट में। इसी प्रकार से सवाना में भी क्या होता है कि रात और दिन का टेम्परेचर का अंतर काफ़ी हो जाता है, डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन जो बारिश है वो रोज़ रोज़ नहीं होती है, तो यही अंतर है इक्वेटोरियल और सवाना और डेजर्ट टाइप के क्लाइमेट में। लेकिन इस रीजन में भी बारिश काफ़ी पड़ती है, ठीक ठाक पड़ जाती है बारिश, और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इस रीजन का यहाँ पे सूडान है ना, सूडान से है इसका नाम, सूडान टाइप का क्लाइमेट, सवाना और सूडान टाइप का क्लाइमेट पड़ा है, और भी रीजन्स में ये पाया जाता है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रास का होना, टॉल ग्रासेस होती हैं, ठीक है, ट्री क्या होगा, शॉर्ट होगा और टॉल ग्रास होगी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी घास होगी, और ट्री क्या होगा, वो छोटा होगा, ट्री शॉर्ट बट ग्रास टॉल, डेसिड्यूस टाइप का ट्री होता है, यानी पर्णपाती वन होते हैं यहाँ पे जो ट्री है, ग्रासेस काफ़ी मात्रा में दिखाई देंगे, ट्रीज जो है थोड़े थोड़े रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, बहुत बड़े बड़े ट्री नहीं रहते हैं इक्वेटर की तरह, छोटे छोटे ट्री रहेंगे, और वो क्या होगा, पतझड़ में अपना सारा जो उनका पत्ता है गिरा देंगे। तो शॉर्ट ट्रीज एंड डेसीड्यूस टाइप ऑफ ट्रीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। अब ये सवाना टाइप के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे इस रीजन में इसको कानो नाम से जाना जाता है, ठीक है, कानो, इस वाले रीजन में इसको सेलिसबरी नाम से जाना जाता है, जो अफ्रीका में इक्वेटर के नीचे वाला रीजन है उसमें उसको सेलिसबरी नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में ये दो टाइप के क्लाइमेट्स हैं, मतलब दो टाइप के सवाना ग्रासलैंड है, एक को कहा जाता है लानोस और एक को कहा जाता है कैंपोस, कानो सेलिसबरी, लानोस कैंपोस, ये सवाना ग्रासलैंड्स के नाम हैं। तो ये नाम ज़रूर आप याद रखिएगा, लानोस कैंपोस और कानो सेलिसबरी। यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, अब चूंकि यहाँ पे क्या है कि आपको तो क्लाइमेट टाइप का दिख ही रहा होगा कि किस प्रकार है, ट्रीज ऐसे उग रहे हैं, डेसीड्यूस ट्रीज उग रहे हैं और क्या है, ग्रासेस ही ग्रासेस हैं, तो यहाँ पे एक तो वाइल्ड लाइफ कैसा है, तो वाइल्ड लाइफ जो है एलिफेंट्स वगैरह ये सारे जानवर रहते हैं जो कि ग्रासलैंड्स में रहते हैं, और उसके बाद ट्राइब्स जैसे कि मसाई ट्राइब का आपने नाम सुना होगा, तो ये मसाई ट्राइब जो है केन्या तंजानिया में पाया जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं जो कि पैस्टोरलिस्ट होते हैं, मतलब क्या है कि एनिमल्स के सहारे और इस ग्रासलैंड के सहारे उनका जीवन यापन चल रहा है, ठीक है, पशु रखेंगे जिसको कि वो चराएंगे इन ग्रासलैंड्स पे, ग्रास उनको घास खिलाएंगे और उन्हें इसको पालेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, पशुपालक तरह के यहाँ पे ट्राइब्स होते हैं। मसाई ट्राइब का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि उनका जीवन यापन किस प्रकार का होता है, कि वो बहुत हर्ड रखते हैं, पशुओं का एक हर्ड रखते हैं, पशुओं का एक झुंड रखते हैं, उसी से उसका उसको खिलाना पिलाना, उसका मांस खाना, इसी प्रकार से उनका जीवन चलता है। तो ये हो गया हमारा सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। अब अगला जो क्लाइमेट टाइप है वो क्या है, वो है डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट, ठीक है, हॉट डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट। तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े डेजर्ट हैं, जैसे आपका ये गोबी डेजर्ट है मंगोलिया में पाया जाता है, तुर्किस्तान डेजर्ट है जो कि सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, काशगर डेजर्ट है ये भी किधर पाया जाता है, एशिया में ही पाया जाता है, ईरानियन डेजर्ट है ईरान में पाया जाता है, थार डेजर्ट है जो कि इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता है,
फिर सहारा डेजर्ट है, कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका में पाया जाता है। कालाहारी डेजर्ट, ये भी अफ्रीका में है। नामीब डेजर्ट, ये भी अफ्रीका में है, नामीबिया कंट्री में। और ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। फिर इधर आपका साउथ अमेरिका में आ जाइए तो अटाकामा डेजर्ट है, ठीक है। और ऊपर आप जाइए तो आपको मिलेगा क्या, मोहावे डेजर्ट, ठीक है, मोहावे डेजर्ट, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। तो उसके अलावा और नीचे आपको एक पैटागोनिया डेजर्ट मिलेगा, जो कि कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। लेकिन पैटागोनिया बाकी सारे डेजर्ट से अलग है। कैसे अलग है मैं बताऊंगी। फिलहाल आप जानिए कि ये जो जितने बड़े बड़े डेजर्ट हैं, जो कि आपको किधर दिख रहे हैं, आपको वेस्टर्न मार्जिन्स पे दिख रहे हैं। किधर दिख रहे हैं? वेस्टर्न मार्जिन्स पे, वेस्टर्न मार्जिन पे। वेस्टर्न मार्जिन का मतलब क्या है कि जो भी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जो भी कॉन्टिनेंट्स है, सभी के आपको वेस्ट में ये डेजर्ट्स दिख रहे होंगे, है ना। वेस्ट साइड में, पश्चिम के साइड में आपको सभी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, सभी के पश्चिम साइड में आपको ये डेजर्ट्स दिख रहे होंगे। तो अब ये डेजर्ट्स जो हैं पश्चिम साइड में ही क्यों हैं? और उसके साथ साथ आपको ये भी दिख रहा होगा कि जितने डेजर्ट हैं, ज़्यादातर जितने डेजर्ट हैं वो कहाँ पे है, इसी बेल्ट में है, जो कि इक्वेटर से लेकर के और ट्रॉपिक्स तक होता है। 30 डिग्री तक मान लीजिए, 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, ट्रॉपिक्स के पास में ही ये डेजर्ट्स आपको दिख रहे हैं। 0 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में, ऊपर 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में नीचे। पैटागोनिया डेजर्ट की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि वो दूसरी तरीके से बनता है। फिलहाल ये जो आपको डेजर्ट्स दिख रहे होंगे, आपको कहाँ दिख रहे हैं, 30 से 30 के बीच में। अब ये डेजर्ट्स जो हैं इसी पर्टिकुलर जगह पे क्यों हैं और 30 से 30 के बीच में ही क्यों हैं, इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा क्या, कि अर्थ का जो है पैटर्न विंड्स का कैसा है। हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जो हमें ये समझने में लाभदायक है कि वेस्टर्न एज पे ही कॉन्टिनेंट्स के डेजर्ट्स क्यों हैं। सिर्फ वही बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है आपका इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होता है, लो प्रेशर रहता है। क्यों लो प्रेशर रहता है? गर्मी ज़्यादा पड़ती है, रोज़ रोज़ जो है सूरज की किरणों से थका हारा इक्वेटर जो है पसीने में डूबा हुआ, रोज़ बारिश होती हुई, वहाँ पे क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, फिर वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है, लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर का क्या अर्थ है कि हवा का दबाव जो है वो निम्न दाब रहता है, हवा का कम दाब रहता है, और हवा जो है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर फ्लो करती है, ठीक है। सॉरी, ये कहना उचित नहीं हुआ कि लो से हाई प्रेशर की ओर फ्लो करती है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाएगा, ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। हवा जो है वो, लेकिन लो प्रेशर पे क्या होता है, वहाँ से ऊपर उठती है, ठीक है। लो प्रेशर पे क्या होता है कि वहाँ पे हवा जो है गर्म हो जाती है ना। जैसे आपका बलून है, तो बलून में आप जब हीलियम गैस डालते हैं तो क्या करता है, हीलियम गैस हल्की होती है, क्या करता है, ऊपर उठाने लगती है उसको, है ना। तो उसी प्रकार से जब जब आपका मौसम क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो क्या होता है कि हवा भी गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है तो वो फैलने लगती है, ऊपर उठने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे हवा जो है वो ऊपर उठने लगी, ठीक है, यहाँ पे हवा हो गई हल्की और ऊपर उठने लगी, ठीक है, ऊपर उठने लगी। और ऊपर उठते हुए क्या है, पृथ्वी भी घूम रही है, ये भी इस साइड घूमती है और चली जाती है, कहाँ पे, ये पहुँचती है ट्रॉपिक्स के पास। ट्रॉपिक्स के पास आकर के ये हवा जो है यहाँ आते आते ठंडी हो जाती है, और उसके बाद जो है ये नीचे डिसेंड करने लगती है, नीचे गिरने लगती है, ठीक है। ये ऊपर वाला आपका सब किस्सा चल रहा है कि हवा उठी ऊपर, कहाँ पे, इक्वेटर पे हवा ऊपर उठी, और उसके बाद कहाँ पहुंची, ये ट्रॉपिक्स पे पहुंची। ट्रॉपिक्स पे क्या हुआ, वहां पे उसने नीचे गिरना शुरू कर दिया। तो ट्रॉपिक्स पे हवा जो है वो नीचे गिर रही है, हवा नीचे गिर रही है, इस कारण यहाँ पे हो जाएगा क्या, हाई प्रेशर, ठीक है। इक्वेटर पे क्या रहेगा, लो प्रेशर, नीचे क्या रहेगा, हाई प्रेशर। अब चूंकि यहाँ पे हवा जो है वो क्या हुई है, उठ गई है, उठ करके और नीचे
उठ करके यहाँ से चली गई है और आ करके कहाँ गिर रही है, ट्रॉपिक्स पे। तो ये वाला एरिया जो है क्या है, हवा से खाली हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हवा का फ्लो होने लगा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक तरह का क्या मिल रहा है, वैक्यूम हो रहा है ना, एक तरह का क्या है, हवा जो है वो कम हो जा रही है, हवा का कम दबाव है वहाँ पे, क्या है, हवा आ सकती है और, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि हवा आ करके और फैल जाती है। तो ये हवा जब इस साइड आती है तो ये एक कोरियोलिस फोर्स होता है, उसके कारण इस दिशा में मुड़ जाती है, ठीक है। हवा उसको चलना तो सीधे चाहिए था, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण इस दिशा में मिल जाती है। ये कोरियोलिस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है। बाकी ज्योग्राफी के क्लासेस में आप पढ़ेंगे, फिलहाल बस इतना जानिए कि इसके कारण ये हवा इस दिशा में मुड़ जाती है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी हवा चलती है आकर के यहाँ पे नीचे गिरती है ट्रॉपिक्स पे, और उसके बाद लेकिन उत्तरी गोलार्ध में तो ये इस साइड मुड़ती है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, इस साइड मुड़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न जो आपका हेमिस्फीयर है वहाँ पे ये हवा लेफ्ट में मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ये हवा राइट में मुड़ जाती है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो कुल मिलाकर हवा जो है किस दिशा में चलने लगती है, ईस्ट से वेस्ट की दिशा में, है ना। ये ईस्ट है, ये साइड वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट की दिशा में नीचे जो है इस एरिया में हवा चलने लगती है, ठीक है। इसीलिए इसको ईस्टरली भी कहा जाता है कभी कभी, और ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, वेस्टर्ली कहा जाता है। यहाँ पे दूसरा कहानी हो जाता है, उस कहानी की फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल इसी बात की बात कर रहे हैं कि सारा जो डेजर्ट है, डेजर्ट वाला क्लाइमेट है, वो वेस्ट में ही क्यों पड़ रहा है। तो अब ये हवा हमने देख ली कि कैसे चल रही है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। तो अब आप बताइए इस फिगर पे आइए कि हवा जो है इस प्रकार आ रही है, और अपने साथ क्या लेकर के आएगी, नमी लेकर के आएगी वो हवाएं, ठीक है, अपने साथ नमी लेकर के आएंगी। और उन्होंने बारिश कराना शुरू किया, तो इन सारे रीजन्स में जब तक वो बारिश कराते कराते जब इधर आती है ना, तो यहाँ तक आते आते उसका नमी सारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ आते आते उसका सारा नमी ख़त्म हो गया, अब वो यहाँ पे जो बारिश कराएगी, यहाँ पे वो बारिश करा ही नहीं पाएगी, नमी ही नहीं है हवा में, तो वो कैसे बारिश कराएगी। इसीलिए जो वेस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डेजर्ट मिलता है आपको, ठीक है। तो डेजर्ट हमेशा वेस्टर्न मार्जिन पे मिलेगा, और वो भी 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ में ही। तो इसीलिए इस प्रकार के क्लाइमेट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हॉट डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट, ठीक है। तो ये है हॉट डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट। वेजिटेशन कहाँ होता, कैसा होता है इसका, तो वेजिटेशन आप जानते ही हैं कि किस प्रकार का होता है, कटीले जो है पेड़ रहते हैं यहाँ पे, मतलब जो भी वनस्पति रहती है वो कटीली रहती है। क्यों कटीली रहती है, क्योंकि बारिश होती ही नहीं है, बारिश नहीं होती है, उसको अपना पानी बचा करके रखना है, पानी बचा के रखना है तो क्या करेगा, वो कम पानी जो है लॉस हो इस प्रकार का कुछ इंतज़ाम करेगा। तो वो कांटे उगा लेगा, पत्तियाँ ज़्यादा रहेंगी तो पानी ज़्यादा जो है निकलेगा, पत्तियाँ कम रहेंगी तो पानी कम निकलेगा। तो ये हो गया हमारा डेजर्ट वाले एरिया के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पे एक बार अगर हम जल्दी जल्दी रिवाइज करें, जहाँ पे बारिश होती है बहुत कम, ठीक है, और उसके बाद जो है वनस्पति कैसी होती है, वनस्पति होती है कटीली, वो वाला रीजन क्या है, वो डेजर्ट वाला रीजन है। तो ये थी क्लास हमारी क्लाइमेटिक रीजन के बारे में, और वेजिटेशन वहाँ पे कैसा होता है उसके बारे में। अभी हमने कुछ ही क्लाइमेट टाइप्स पढ़े हैं, कल हम लोग बाकी क्लाइमेट टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस क्लास को देखने के बाद आप बुक भी ज़रूर पढ़ें, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, और साथ साथ जो है आपको रिवाइज होगा और उसके साथ आपको याद होगा। तो क्लास देखिए, साथ में बुक्स पढ़िए,
मैप देखिए जरूर, जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लास में कर रहे हैं उसको मैप पे टैली करते जाइए, साथ साथ पढ़ने का यही तरीका है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।